नमस्कार दोस्तों, तो आज से एक दो महीने पहले एक स्पेशल स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च हुआ था जिसका नाम है नथिंग फोन 2A और मैंने इस स्मार्टफोन का प्रॉपर रिव्यू किया था, आप आई बटन में देख सकते हैं। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि उसका अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है नथिंग फोन 2A प्लस और इसका लॉन्च डेट है 4th अगस्त। और मेरे पास इस स्मार्टफोन का A to Z पूरा स्पेसिफिकेशन आ चुका है, इसलिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो नथिंग की तरफ से जो नया फोन लॉन्च होने वाला है इसका पूरा डिजाइन, स्पेसिफिकेशन और प्राइस, और जिस प्राइस पर मैं तो उस हिसाब से सबसे बेस्ट ऑनलाइन स्मार्टफोन हुआ कि नहीं, इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त का आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते तो गैजेट चैनल को सबसे कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे इसके डिजाइन के बारे में। अभी देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो प्लस वाला जो एडिशन, इसका डिजाइन एग्जैक्टली नथिंग फोन 2A के जैसा ही होगा, मतलब डिजाइन के मामले में कोई भी चेंजेस नहीं। इसका थिकनेस होगा 7.9 मिलीमीटर और वेट होगा 192 ग्राम। इसके पीछे का जो मटेरियल वो आपको मिलेगा टोटली प्लास्टिक का बैक कवर। डिस्प्ले के मामले में आपको इसे मिलेगा 6.7 इंच फुल एचडी प्लस 120Hz 10 bit एमोलेड डिस्प्ले, जिसके साथ 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 1300 nits का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 94% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के सर्टिफिकेशन में आपको मिलेगा HDR10+ सर्टिफिकेशन और उसके साथ गोरिल्ला ग्लास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। मतलब मैं चीज कह सकते कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका जो डिस्प्ले वो काफी सही होने वाला है। प्रोसेसर में आपको मिलेगा बिल्कुल नया डायमेंसिटी 7350 प्रो वाला एडिशन। कैमरा में आपको मिलेगा 50 और 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, उसके साथ 50 मेगापिक्सल का सेल्फी। अभी जो 50 मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा, क्या वो नथिंग फोन 2A के जैसा होगा या फिर कोई दूसरा सेंसर होगा, कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। और इसके रियर कैमरा के साथ आपको मिलेगा OIS EIS दोनों का ऑप्शन। ये जो स्मार्टफोन आपको टोटल दो वेरिएंट में मिलेगा, एक होगा 8 256 GB, दूसरा होगा 12 256 GB। रैम का क्वालिटी होगा LPDDR5। मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 2.2 जिसके साथ कोई भी डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट नहीं। बैटरी में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, साथ में 50W का वार्ड चार्जिंग और कनेक्टिविटी USB Type-C। ऑब्वियसली इसका जो चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इससे कुछ बाकी फीचर की बारे में बात करता हूँ, आपको इसे मिलेगा एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स, कोई भी 3.5mm जैक नहीं, डुअल स्पीकर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और IP64 का वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन। और अगर हम इसके OS अपडेट साइकिल के बारे में बात करें, 3 साल का मेजर OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट हमें देखने को मिलेगा। तो जो सबसे मेन चीज किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला, तो देखिए अभी तक मुझे इतना मालूम चला है ये जो स्मार्टफोन ऑफिशियली लॉन्च होगा 28999 रुपीज पे, मतलब 29,000 रुपए पे ऑफिशियली लॉन्च होगा। और उसके ऊपर हमें 3,000 रुपए का दूसरे डिस्काउंट देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपए का कार्ड ऑफर और मोस्ट प्रोबेबली 1,000 रुपए का फ्लिपकार्ट कॉइन के एक्सचेंज में 1,000 रुपए का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन का इंडिया पे स्टार्टिंग प्राइस होगा एक्जैक्टली 25999 रुपीज इंक्लूडिंग सभी के सभी ऑफर। या फिर ऐसा भी हो सकता है इसका एक्सक्लूसिव प्राइस एक्जैक्टली 25,000 भी हो सकता है। तो अभी हार्डवेयर से देखिए क्या ये जो स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट में सबसे बेस्ट ऑनलाइन चॉइस है या फिर इससे बेटर दूसरे की चॉइस अवेलेबल है। तो देखिए अगर हम अभी आज के दिन में वही 26, 27, 28,000 पे देखेंगे तो पोको F6 आपको मिल जाएगा ऑफर मिला के। तो अगर हम उस पोको F6 के साथ कंपेयर करते, पहली बात तो डिस्प्ले, पोको पे आपको मिलेगा 1.5K डिस्प्ले, नथिंग पे आपको मिलेगा फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, इसलिए डिस्प्ले के मामले में पोको बेटर। प्रोसेसर, नथिंग पे आपको मिलेगा डायमेंसिटी 7350 प्रो वाला प्रोसेसर जो कि डायमेंसिटी 7200 का थोड़ा सा बूस्टेड एडिशन है, लेकिन उसी जगह पे पोको पे आपको मिलेगा डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा जो कि टोटली फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर है, तो इसलिए प्रोसेसर के मामले में नो डाउट पोको बेटर। कैमरा, इधर तो नथिंग होगा बेटर क्योंकि ये फोन एक्चुअली कैमरा सेंट्रिक फोन के हिसाब से आने वाला है, क्योंकि इसका रियर पे आपको मिलेगा 50-50 का रियर कैमरा, फ्रंट में आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का सेल्फी। और पोको का कैमरा सेटअप वो तो आपको मालूम ही है, तो इसलिए कैमरे के मामले में नथिंग होगा बेटर। वेरिएंट, पोको पे आपको मिलेगा LPDDR5X और UFS 4.0 का कॉम्बिनेशन, नथिंग पे आपको मिलेगा LPDDR5 और UFS 2.2 का कॉम्बिनेशन, तो इसलिए वेरिएंट के मामले में पोको बेटर। बैटरी और चार्जर, इधर भी पोको थोड़ा सा ज्यादा बेटर। स्पीकर के मामले में दोनों सेम, OS अपडेट पे दोनों एग्जैक्टली सेम। तो मतलब देखिए वीडियो का मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आज के दिनों का बजट है 26,000 के आसपास और अगर एक बिल्कुल नया फोन लेना चाहते तो मेरे ख्याल से पोको F6 इस प्राइस पॉइंट में नथिंग के मुकाबले थोड़ा सा बेटर होगा। लेकिन ये चीज भी ध्यान में रखना, पोको का जो स्मार्टफोन वैसे तो ठीक ठाक है लेकिन सॉफ्टवेयर में कभी कभी आपको थोड़ा बहुत बग देखने को मिलेगा, तो इसीलिए अगर आपको कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसका सॉफ्टवेयर उसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होगा और उसके साथ कैमरा भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा, तो आप लोगों के लिए नथिंग फोन 2A प्लस होगा सबसे बढ़िया चॉइस।
तो अभी आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि अगर आपका बजट है 26,000 के आसपास तो क्या आप इस प्राइस पॉइंट में नथिंग लेना चाहेंगे या फिर दूसरा कोई डिवाइस आप चूज करना चाहेंगे। इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन है बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।